सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्री हरिकोटा की तरफ से आईटीआई पास आउट डिप्लोमा पास आउट एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसिप निकाली गई है एंड जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे 2022-23 सत्र के लिए निकाली गई अप्रेंटिसशिप है अगर आप भी इसरो की जो इसरो का डिपार्टमेंट है इसरो से अप्रेंटिसिप करना चाहते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला विभाग है ठीक है तो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके पहले जो अप्रेंटिसिप आई थी उसका यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए जो बुलाया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो पोस्ट को ट्वेंटी था वो सब भी यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं अभी हम लोग बात करेंगे इस वाली वैकेंसी की जो कि यहाँ पर न्यू नोटिस यहाँ पर आपको पब्लिश होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके उस नोटिस को कर लेते हैं डाउनलोड एंड फिर डिटेल में बात करेंगे नोटिस पहले से डाउनलोडेड है ये 12 अक्टूबर को निकाला गया नोटिस है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए थोड़ा सा हमें लेट हुआ है ठीक है कार्मिक एंड सामान्य प्रशासन प्रभाग सेकेंड की तरफ से निकाला गया नोटिस है इसमें अगर बी ई की बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल आप देखेंगे साथ में कंप्यूटर साइंस सिविल केमिकल एंड एरोनॉटिकल इतने ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं नौ हज़ार पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड होने वाला है डिप्लोमा की अगर बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस सिविल केमिकल ऑटोमोबाइल एंड फोटोग्राफी आठ हज़ार पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंट रखा गया वन ईयर की अप्रेंटिससिप होगी आई के केस में फिटर की है केमिकल मोटर मकैनिक इलेक्ट्रॉनिक मकैनिक एंड आर ए सी पर मंथ यहाँ पर स्टाइपेंट आपका रखा जाएगा इसके अलावा जो टेन प्लस टू पास आउट हैं कैंडिडेट सिर्फ ट्वेल्थ पास आउट है, है उनके लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिसिप है वो भी वन ईयर की होगी जिसमें मेडिकल लैब टेक्नीसियन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की वैकेंसी है सात हज़ार पर मंथ यहाँ पे आपको इस टाइपेंट मिलने वाला है यहाँ देख सकते हैं आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सारी अपडेट एंड इन इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे टेक्स्ट स्टडी आई टे चैनल पर मिलती रहे एंड आपके लाइक से वीडियो और आगे तक प्रमोट हो जा हो जाता है ग्रेजुएट अप्रेंटिसप में मांगा गया फर्स्ट क्लास यानी सिक्सटी परसेंट आप बी बी होना चाहिए आपका टेक्नीशियन में फ़र्स्ट क्लास यानी सिक्सटी परसेंट आपका डिप्लोमा में होना चाहिए आईटीआई के केस में टेंथ पास प्लस आईटीआई होना चाहिए एन से यहाँ एस सी एलिजिबल नहीं ध्यान दीजिएगा सिर्फ एन सी पास आउट एलिजिबल हैं एंड वोकेशनल अप्रेंटिसिप में यहाँ पर आपका टू इयर्स का ऑफ स्टडी आफ्टर कम्प्लीसन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकोगनाइज बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ठीक है सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग टू ईयर्स ऑफ स्टडी आफ्टर कम्प्लीसन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल ठीक है जो सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद यहाँ पर वोकेशनल टेन प्लस टू जो लिखा है उसके लिए योग्यता बताई गई है ठीक है यानी सेकेंडरी स्कूल मतलब आपका क्या होता है हाई स्कूल पास होने के बाद आप दो साल की स्टडी यानी टेन प्लस टू आपका कंप्लीट रहना चाहिए जनरल कंडीशंस यहाँ पे कुछ दी गई हैं एज क्राइटेरिया आपका चौदह साल से कम नहीं होना चाहिए इकतीस अक्टूबर दो को ठीक है ये रखा गया यहाँ पर एज क्राइटेरिया अपर एज लिमिट ऐसी कुछ यहाँ पे नहीं लिखी गई कहीं पे भी ठीक है इसके अलावा अगर बात करें जो एकोमोडेशन है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा शेयर्ड एकोमोडेशन बिल बी प्रोवाइडेड इन एनी वन ऑफ द एस डी एस सी एस एच ए आर रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ तो यहाँ पे आपको रेजिडेंस मिलने वाला है अप्रेंटिसप के दौरान तो ये काफ़ी अच्छी बात है ठीक है जनरली हर जगह पर आपको खुद से अरेंज करना रहता है ठीक उसके अलावा एक सबसे बड़ी कंडीशन है ग्रेजुएट हैं डिप्लोमा है ठीक ऐसे है ऐसे कैंडिडेट जो हैं इनकी रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन 2020 के या उसके बाद की होनी चाहिए 2020 में या तो पास हों इक्कीस में या 22 में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं बट आई के, के केस में ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म कैसे भेजेंगे तो फॉर्म आपको यहाँ पे ऑफलाइन भेजना होगा ऐसे टाइम पर भी ये सब डिपार्टमेंट क्यों ऑफलाइन फॉर्म लेते हैं ये थोड़ा सा समझ कम आता है बट इन्हें ऑनलाइन फॉर्म करना चाहिए इनक्लोज फॉर्मेट में आपको भरना है उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज लगानी है अपने मार्कशीट की सर्टिफिकेट्स की कास्ट सर्टिफिकेट की ठीक है एंड रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना है द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिव्यू सेक्शन पर्सनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक्निकल सर्विस बिल्डिंग एस डी एस सी सार श्री हरिकोटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ठीक है आंध्र प्रदेश फाइव टू फोर वन टू फोर यहाँ इकतीस अक्टूबर दो हज़ार बाईस के पहले आपका ये फॉर्म पहुँच जाना चाहिए नीचे ये है फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म यही है ठीक है इसमें आप जिसके लिए अभी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो वो आप देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे ट्रेड आपने पहले ही देख लिया था ठीक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप क्वालिफिकेशन इसमें से मेंशन कर देंगे ब्रांच जो भी आपकी रहेगी उसे आप यहाँ मेंशन करेंगे ठीक है देन आपको नेम अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस ई मेल मोबाइल नंबर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ठीक है अगर आपने पहले से कहीं अप्रेंटिसिप या कुछ एक्सपीरियंस लिया हो तो मत भरिएगा अदरवाइज आपका नहीं होगा अप्रेंटिसिप कर रहे हैं तो मत भरिएगा फॉर्म ठीक है देन यहाँ पे क्या आपके ऊपर कभी कोई कोर्ट केस या ऐसा कुछ हुआ है यस या नो तो बिल्कुल नो कर दीजिएगा ठीक है इफ़ सेलेक्टेड हैव सून कैन यू ज्वाइन मतलब अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो कितने टाइम में आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वन मंथ टू मंथ जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं एंड यहाँ पर आपको रेफरेंस देना होगा एक प्रोफेशनल कम्पिटेशन जो टीचर हों या प्रिंसिपल हों उनका नाम एंड एड्रेस देना होगा और उनका फ़ोन नंबर देना होगा ठीक है किन्हीं दो लोगों का ठीक जो कि आपके रिलेटिव ना हो आपके टीचर हो सकते हैं आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं आपके स्कूल का कोई और हो सकता है उनका आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है देन आपको यहाँ सिग्नेचर करना है एंड आपको इतनी चीज़ें अटैच करके ठीक है उसके बाद क्या करना है एक एनवेलप में इसको डालना है उसके ऊपर आपको पोस्ट कोड अपना जरूर लिख देना है ठीक है क्वालिफिकेशन आप किसके लिए कर रहे हैं ट्रेड आई जो भी है अप्रेंटिस अप्लीकेशन करके लिख के एंड जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया इस एड्रेस पे आपको क्या करना है भेज देना है जिससे आपका 31 अक्टूबर 2022 के पहले पहले फॉर्म यहाँ पहुँच जाए फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है ऑफलाइन फॉर्म है फॉर्म भरने के बाद आपको वेट करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट या आपकी मेल आई डी या मोबाइल पर आपको मैसेज या इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है सिलेक्शन के लिए फर्दर कैसा सिलेक्शन होगा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी नहीं लिखा है मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा या रिटर्न बेस पे होगा तो वो सारी चीज़ें आपको फर्दर कम्युनिकेट की जाएंगी अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भरने की बात की गई है तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कोई डाउट या क्वेश्चन तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जरूर आपका हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए